व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जैसा आपको पता है आज का जो वीडियो है काफी डिमांडिंग वीडियो था। यूट्यूब पे सबसे लेटेस्ट वीडियो है ये। आपका जो फेवरेट परफ्यूम है, परफ्यूम ब्रांड है, उस तरह उसका ही एक वेरिएंट लॉन्च हुआ, उसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसका नाम है बारूद। आज उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मैं खुद एक्साइटेड था उस इस प्रोडक्ट को लेकर। काफ़ी यूनिक खुशबू है, काफ़ी डिफरेंट खुशबू है। आप में से भी काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि उसका रिव्यू होना चाहिए, तो आज मैं वही वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जो नोट्स हैं काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय भी लगेगा, उसके अलावा खुशबू भी काफ़ी यूनिक है। देखिए, आपको पता है पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, स्पेशली परफ्यूम को लेके, क्योंकि जो परफ्यूम आज का जो मार्केट है काफ़ी कट थ्रोट है। आज के मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा देना पसंद नहीं करते परफ्यूम के लिए, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं इंडियन मार्केट में। फॉरेन की तो छोड़िए, फॉरेन का अगर आप परफ्यूम लेते हो वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए होता है कि मैंने इस ब्रांड का परफ्यूम लिया, इस ब्रांड का परफ्यूम लिया। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोग खुशबू देख के चूज़ करते हैं। मेरा मतलब है कि आज के काफ़ी आज का जो मार्केट है वो इतना सस्ता हो चुका है कि जो पहले के ज़माने में महंगी खुशबू हुआ करती थी 2000, 3000, 4000 की, आज वो 1500 से कम में आराम से मिल जाती है। अजमल उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो उस तरह है या बियर्डो है, ये कंपनियां ऐसे ऐसे परफ्यूम लॉन्च कर रही हैं जिसकी जो खुशबू है वो लग्जरी परफ्यूम को टक्कर देती है। डेफिनेटली आज का जो परफ्यूम मैं आपको रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी यूनिक खुशबू है, काफ़ी डिफरेंट खुशबू है, और नोट्स ऐसे हैं कि आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, या फिर अगर सुने होंगे तो भी किसी लग्जरी ब्रांड में या किसी इंपोर्टेड ब्रांड में आपने सुने होंगे। डेफिनेटली मैं आज उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पेशेंस से मेरे वीडियो देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा काम अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, काम अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये पैकेट है, ये पैकेट है परफ्यूम का। इस पैकेजिंग का, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, डिटेल में रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हाय गाइस, सो बात कर लेते हैं इस बॉटल के बारे में, इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये इसका बॉक्स है, ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग है, ऊपर ब्लैक कलर की जो है फिनिशिंग है, उस पर सिल्वर कलर से लिखा हुआ है उस तरह बारूद। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंबल है आउडी परफॉर्म 100 ml की बॉटल, ये इसका लोगो उस तरह लिखा हुआ है, सिंबल भी है यहाँ पे, कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है, सिंपल सा उस तरह का यहाँ पे है। ठीक है, ये जानकारी देख लेते हैं, छोटी सी जानकारी है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय सब लिखा दिया हुआ है, कस्टमर केयर नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका जो है बारकोड। प्राइस 999 है, लेकिन ऑनलाइन जो प्राइस है वो 700 के आसपास है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अब बॉटल खोल के देख लेते हैं, बॉक्स खोल के देख लेते हैं बॉटल कैसी है। ये मैं आपके सामने बॉक्स खोल रहा हूँ, ये देखिए प्लास्टिक का कवर है ताकि बॉटल हिले ना जगह से। ओके, ये बॉटल मेन जो बॉटल था वो ये है। अच्छा, इसके अंदर भी प्लास्टिक है, आप देख सकते हो, जिससे बॉटल हिले ना। तो ये बॉक्स है, अब बात करते हैं इस बॉटल के बारे में। आप देख सकते हो बॉटल का जो साइज़ है, शेप है, काफ़ी कर्वी है, मतलब काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है, बढ़िया एकदम है। आपको अगर याद हो तो आफ्टर डार्क जो परफ्यूम था उस तरह का ही, उसकी बॉटल भी शेप कुछ ऐसी ही थी। तो आप देख सकते हो खूबसूरत बॉटल है ये, ध्यान से देखेंगे आप, आपको पता चलेगा ऊपर से ट्रांसपेरेंट बॉटल है, नीचे जाती ये ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, सिल्वर कलर से लिखा हुआ है उस तरह बारूद, उस तरह ऑडी परफॉर्म 100 ml की बॉटल। ठीक है, ये इसका ढक्कन है, प्लास्टिक का ढक्कन है, ये सिंपल सा सिल्वर कलर का ढक्कन। ठीक है, स्प्रे की जो स्ट्रेंथ देख लेते हैं, ठीक है वाइड है, अच्छा है,
बॉटल भी काफ़ी शानदार है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, नीचे जाते जाते डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। ये काफ़ी खूबसूरत बॉटल है, 100 ml की बॉटल है ये, ठीक है। तो ये इसकी पूरी पैकेजिंग की इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, पैकेजिंग का रिव्यू तो हो गया, अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू की। कंपनी जो क्लेम करती है, जो कंपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है नोट्स के लिए, मैं यहाँ पे सारी जानकारी दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्टिंग करते हैं टॉप नोट से। देखिए जो टॉप नोट है उसमें है सबसे पहले क्लेरी सेज, उसके अलावा है मर्टल, उसके अलावा है बर्गामट, उसके अलावा लेमन, लाइम और कोरिएंडर और सिडार। अच्छा, यहाँ पे बर्गामट और लेमन आप लोग जानते हैं, एक तरीके का सिट्रसी फ्रूट है और जिसमें जो है काफ़ी खट्टी खुशबू होती है, ठीक है। लाइम आपको पता है नींबू, कोरिएंडर आपको पता है धनिया, और सिडार ये सब आपको पता है। सिडार थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है अजीब सा, क्योंकि सिडार मैंने जहाँ भी देखा है अधिकतर बॉटम नोट में यूज़ होता था, अब ये टॉप नोट में यूज़ किया गया है, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है। उसके अलावा क्लेरी सेज, ये मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे मैं इमेज भी दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी, जैसे कहते हैं थोड़ी सी एम्बरी और साथ में जो फ्रेश टोबैको होता है वैसी खुशबू है, उससे मिलती जुलती खुशबू है। मतलब कि जब स्प्रे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ी सी पान मसाला टाइप की खुशबू आ रही है, ठीक है। जो आपको अगर याद हो तो जो विस्की एक परफ्यूम था, जो मैंने इसका रिव्यू भी किया था, उससे मिलती जुलती खुशबू है टॉप नोट की, उसमें थोड़ा टोबैको का नोट था, तो वैसी थोड़ी सी मिलती जुलती खुशबू आ सकती है टॉप नोट में। उसके अलावा मर्टल है, मर्टल यहाँ पे थोड़ा फ्रेश और हर्ब फ्रूटी नोट्स का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। उसके अलावा सिडार वुड आपको पता है थोड़ा सा वूडी होता है, स्मोकी होता है, ठीक है। ये टॉप नोट था, काफ़ी अलग, थोड़ा सा एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं मिडल नोट की। मिडल नोट में है ओरिस, एक तरीके का जो आप कह सकते हो लेवेंडर से मिलता जुलती इसकी खुशबू होती है, थोड़ी सी रास्पबेरी टाइप और पेपरी, थोड़ी सी तीखी खुशबू, थोड़ी सी कड़वी टाइप में ऐसी खुशबू होती है, ठीक है। और उसके अलावा है यहाँ पे टाइम, ये थोड़ी सी स्पाइसी और एरोमेटिक खुशबू होती है। अच्छा, ओरिस का मैंने आपको बताना भूल गया, ओरिस एक तरीके की जो स्ट्रेस बस्टर थेरेपी होती है ना, जो ऑयलिंग एरोमेटिक जो ऑयल्स होते हैं उनमें अधिकतर इसका यूज़ करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेवेंडर से मिलता जुलता है, तो लेवेंडर को भी अधिकतर एरोमेटिक ऑयल में जो थेरेपीज होती है एंजाइटी की और स्ट्रेस की, उनको ख़त्म करने के लिए ऐसे ऑयल को यूज़ करते हैं, तो उनमें इसका और इसका भी यूज़ होता है, और इसका जो एसेंशियल ऑयल है उसका। उसके अलावा बसील, तुलसी और पचौली, सैंडलवुड, ये इनका भी इस्तेमाल किया गया है। पचौली, सैंडलवुड, पचौली तो चलो ठीक है टॉप नोट में भी आती है, मिडल में भी आती है, लेकिन जो सैंडलवुड है अधिकतर बॉटम नोट में मैंने देखा है, बट यहाँ मिडल नोट में है, ठीक है। उसके अलावा बॉटम नोट की बात कर लेते हैं, बॉटम नोट में है लेबडैनम, उसके अलावा ओलिबनम, उसके अलावा ओकमोस, लेदर, मस्क। अच्छा, जो लोगों को पता नहीं है, लेबडैनम तो लोगों को पता होगा एक फूल ही होता है एक तरीके से, और जो ओलिबनम है ये थोड़ी सी इसकी जो खुशबू है थोड़ी सी एम्बरी टाइप की खुशबू होती है, स्पाइसी वूडी खुशबू होती है, तो ऐसे डिफरेंट खुशबू होती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी परफ्यूम में इस्तेमाल होते हुए। लेबडैनम तो मैंने एक परफ्यूम में देखा था, शायद 18 का ही परफ्यूम था, उसमें मैंने देखा होगा, मुझे इतना याद नहीं, बट उसकी खुशबू मैंने फील करी है, ठीक है। ओकमोस, लेदर, मस्क, इनका भी नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बॉटम नोट था। तो आप देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी यूनिक खुशबू है, ऐसे ऐसे यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं जो शायद ही कभी आपने इंडियन परफ्यूम में देखा हो, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, एकदम यूनिक खुशबू होती है, मतलब ऐसी खुशबू जो आपको एक लग्जरी फ्रेगनेंस, लग्जरी फील दे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी क्या नोट्स बता रही है, कंपनी क्या डिटेल दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। तो मैं आपके सामने ये पैकेजिंग खोलता हूं, बॉटल काफी शानदार है, काफी हैंडी है, और जो कर्व है वो भी काफी अच्छे हैं, काफी बढ़िया हैं। आप अगर देख सकते हो ये बॉटल ऊपर से ट्रांसपेरेंट होती होती नीचे डार्क होती जाती है, तो काफ़ी बॉटल भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया खुशबू है, काफ़ी अच्छी खुशबू है, और जो लुक्स है वो तो गजब का ही है। आपको
जो एक परफ्यूम था आफ्टर डार्क, वो वैसी बॉटल है, कुछ मिलती जुलती से वैसी कुछ मिलती जुलती बॉटल है ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी बॉटल के बारे में, अब बात करते हैं खुशबू के बारे में कि खुशबू कैसी है, ठीक है। इसको मैंने शेक किया, बहुत ही बढ़िया खुशबू है, बहुत ही बढ़िया खुशबू। जैसे मैंने आपको कहा था फ्रेश टोबैको की खुशबू है यहाँ पे, बहुत ही गजब है। साथ में जो खट्टापन है, थोड़ा सा कड़वापन है, वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दे रहा है। एक हर्ब टाइप फ्रूटी वैसी खुशबू है ये, थोड़ा सा स्मोकी टच भी यहाँ पे दिख रहा है। जो धनिया होता है उसका थोड़ा कड़वापन खुशबू भी आ रही है, तुलसी खुशबू भी है यहाँ पे। काफी बेहतरीन खुशबू है, काफी यूनिक खुशबू है, मतलब एक मैस्कुलिन टच जिसे कहते हैं ना, मैस्कुलिन खुशबू वैसी खुशबू है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के कि आज का जो जमाना है, आज के जमाने में ऐसा कंपटीशन है कि जो पहले लग्जरी फ्रेग्रेंस 4,000 की 5,000 की आया करती थी, आज 1,000-1,500 के बीच में आ जाती है। ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपको अगर शादी या पार्टी में या किसी भी कोई भी इनफॉर्मल है या फॉर्मल ओकेजन है, वहाँ आपको जाना है, दिन है रात है, कहीं भी जाना है, कहीं भी आपको इम्प्रेशन जमाना है, इस परफ्यूम को ट्राई कीजिएगा। इस परफ्यूम को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आप डेफिनेटली इम्प्रेशन जमाओगे। एक यूनिक खुशबू भी आपके आसपास क्रिएट होगी, एक बेहतरीन ऑरा जिसे कहते हैं वो क्रिएट होगा। लॉन्जिबिलिटी की बात कर लूँ मैं सर, लॉन्जिबिलिटी इसकी आराम से 6 से 7 घंटे चल जाएगी आराम से। कपड़े पे ही यूज़ करना है, बॉडी पे यूज़ मत करिएगा। और उसके अलावा अगर बॉडी पे यूज़ करना भी है, लेट से बॉडी पे यूज़ करना है, आप एकदम मतलब सूट या कोट में नहीं पहना है, सिर्फ नॉर्मल शर्ट पहना है, तो भी गर्दन के दोनों तरफ यूज़ करना, ठीक है। अगर बाइक चलाते हो तो गर्दन के पीछे भी यूज़ कर लेना, ठीक है। ये 3 जगह यूज़ कर लेना, बाकी यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी ओकेजन में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में मीटिंग है, कहीं भी है। ज़्यादा खुशबू स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड भी नहीं है, बीच की खुशबू है, मतलब कि ओवरऑल अच्छी खुशबू है, आसपास के लोगों को हेडेक भी नहीं होगा। और जो आपकी इमेज है वो भी ऐसी जाएगी कि बंदे ने लग्जरी फ्रेग्रेंस लगाया है, शायद महंगा खुशबू लगाई है। ये आम फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, एक डिसेंट खुशबू है, लेकिन सेम टाइम पे मैस्कुलिन खुशबू भी है, गजब का जो है ऑरा क्रिएट करती है आपके आसपास, ठीक है, बेहतरीन। प्राइस ऑफलाइन तो सिर्फ उसका 999 है, ऑनलाइन प्राइस काफ़ी कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, 100 ml की बॉटल है ये, काफ़ी यूनिक खुशबू है, डिफरेंट खुशबू है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूनिक खुशबू आपको फील होगी। विस्की स्मोक जो ऐसी खुशबू थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे अजीब सी खुशबू है, जैसे मुझे हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस खुशबू को अगर आप आधा एक घंटा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली खुशबू लगाई कैसे है। आसपास के लोग अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे तो मुझे आप बता दीजिएगा, ऐसी खुशबू है वो, बहुत ही बढ़िया ऑरा क्रिएट करती है। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप परफ्यूम लगाते हो ना, तो परफ्यूम तो थोड़ा सा कम होता है, अल्कोहल ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल से आपको लगता है मैंने क्या लगा लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कड़वी सी अजीब सी खुशबू है। इसके लिए मैं लोगों से कहता हूँ, कोई भी परफ्यूम चूज़ करना हो तो उसको लगाने के आधे घंटे तक वेट करिए, उसके बाद जो खुशबू आए उसी खुशबू को रियल खुशबू मानिएगा, उससे पता चलता है खुशबू एक्चुअली है कैसी, क्योंकि आधे घंटे बाद अल्कोहल लगभग उड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात इस परफ्यूम के बारे में मैंने आपके सामने रिव्यू कर दिया, एकदम लेटेस्ट लॉन्च परफ्यूम है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बारे में या किसी और परफ्यूम के बारे में आप कुछ भी जानकारी चाहिए, अत्तर है या डीओ है, कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी मैं कंटेंट डालते रहता हूँ परफ्यूम के रिगार्डिंग। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आने वाले दिनों में पार्क एवेन्यू के जो लेटेस्ट परफ्यूम लॉन्च हुए हैं, अल्टार और डिस्कवर, इनका भी रिव्यू करने जाएंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में, ठीक है। मैंने मंगवा लिए हैं, उनका भी रिव्यू करेंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।